राइट फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ए एनालिसिस ऑफ लेबर वेरियंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. एनालिसिस ऑफ लेबर वेरियंस भी आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. यू जस्ट रिफर योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड पेज नंबर 11.18 एंड कंटिन्यू टू 11.19. ओके, टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, थ्री टाइप्स ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड एज पर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड. 180 आवर्स ऑफ स्किल्ड, 120 फॉर सेमी स्किल्ड एंड 300 फॉर अनस्किल्ड. पार्ट ए, ड्यूरिंग सेप्टेम्बर 2005, फॉलोइंग वर द डिटेल्स ऑफ लेबर आवर्स रिकॉर्डेड फॉर द आउटपुट ऑफ 1600 यूनिट्स. 3000 स्किल्ड, 2000 सेमी स्किल्ड, 5000 अनस्किल्ड. यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन ऑल द लेबर कॉस्ट वेरियंसेस. पार्ट बी, ड्यूरिंग सेप्टेम्बर 2005, फॉलोइंग वर द डिटेल्स ऑफ लेबर आवर्स रिकॉर्डेड फॉर द आउटपुट ऑफ 1600, 2800 स्किल्ड, 1900 सेमी स्किल्ड, 5300 अनस्किल्ड एट द रेट ऑफ 5.2, 2.5, 1.8. यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन ऑल द लेबर कॉस्ट वेरियंस. एनालिसिस ऑफ लेबर वेरियंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. एनालिसिस ऑफ लेबर वेरियंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. वॉट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन पार्ट ए में? पार्ट ए में फ्रेंड्स योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1600. इट मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इसकी मीन्स स्किल, देन सेमी स्किल एंड देन अनस्किल. 180 आवर्स फॉर 100 यूनिट्स, तो 1600 के लिए कितना? 120 फॉर 100, तो 1600 के लिए कितना? एंड देन 300 फॉर 100, तो 1600 के लिए कितना? इट मीन्स 1600 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100 इज 2880 आवर्स. 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1600 इज 1920 आवर्स. एंड 300 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1600 इज 4800 आवर्स. 2880, 1920 एंड 4800. इट मीन्स दिस इज योर स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड. 180 फॉर 100, तो 1600 के लिए. 120 फॉर 100, 1600 के लिए 100. 2880, 1920 एंड 4800. ये आपको क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. बराबर, अब उसके सामने आपके एक्चुअल आवर्स पार्ट ए में कितने लगे हैं, पार्ट बी में? तो पार्ट ए हो गया तो पार्ट बी तो सिंपल है करके ना. इट मीन्स दिस इज योर पार्ट ए, दिस इज योर लेबर वेरियंस, राइट? दिस इज स्टैंडर्ड and actual hours rate amount, hours rate amount. Type of workers are skilled, semi-skilled, unskilled. Skilled, semi-skilled, unskilled. 180 this total is 2880,
2880, 1920, 4800. Okay, actual hours is 3000 and 2000 and 5000. Okay, what is the rate? Standard rate is 5, 3, and 2. 5, 3, and 2. Actual rate is 5.2. 5.2, 2.5, 1.8. Alright, means it means 2880, 1920 plus 4800 is 9600. 2880 into 5 is 14400. 1920 into 3 is 5760. 4800 into 2 is 9600. 14400, 5760, 9600, 29760. 3000 plus 2000 plus 5 is 10,000. It means 3000 into 5.2 is 15600. 2000 into 2.5 is 5000, and 5000 into 1.8 is 9000. It means 15600 plus 5 plus 9 is 29600. Say yes or no, it's 29600. क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 29760, क्या कॉस्ट आ रहा है अपने को 29600. क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 29760, और क्या कॉस्ट हम लोगों को आ रहा है 29600. सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर. फर्स्ट आप ले लीजिए, दिस इज योर लेबर कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था 29760, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट क्या रहा है 29600. इट मीन्स 29760 लेस 29600 इज 160 फेवरेबल. ओके, इसके दो पार्ट. This is your labor efficiency variance, labor rate variance. Labor efficiency variance, labor rate variance. Skill, semi-skill and unskilled. कितने hours हम लोगों ने सोचे थे? 2880, 1920, 4800. बराबर है फ्रेंड्स. उसके सामने एक्चुअल आवर्स 3000, एक्चुअल आवर्स 2000, एक्चुअल आवर्स 5000 इनटू व्हाट इज द रेट पर आवर इज 5, 3, and 2. इट मींस 2880 माइनस 3000 into 5 is 600 adverse. 1920 minus 2000 into 3 is 240 adverse, and 4800 minus 4800
All right, friends. It means 4800 minus 5000 into 2 is 400 adverse. It means 600 plus 240 plus 400 is 1240 adverse. Say yes or no. This is your labor efficiency variance. What about the labor rate? It means 5 के सामने 5.2 लेबर एफिशिएंसी लेबर रेट वेरिएंस 5 3 के सामने 2.5 एंड 2 के सामने 1.8 इनटू 3000 इनटू 2000 इनटू 5000 It means 600 adverse, 1000 favorable, and 1000 favorable. So total will be 1400 favorable. Say yes or no, friends. Labor efficiency, labor rate. It means this is your standard cost minus actual cost. This is your standard hours minus actual hours into standard rate. This is your standard rate, actual rate into actual hours. Say yes or no. Phir iska aayega aapko labor सब एफिशिएंसी वेरियंस ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ आर्स टोटलिटी में क्या था टोटल 9600 एक्चुअल 10,000 बट योर एक्चुअल इज 10,000 29,760 divided by 9,600. It means 29,760 divided by 9,600 into 400 is 1240 adverse. 1240 adverse. It means total standard hours minus total actual hours into standard rate total standard hours total actual hours into standard rate then aapka aayega labor yield variance it means 9600 से 1600 units तो 10,000 से क्या होना चाहिए It means 1600 divided by 9600 into 10,000 will be 1666.67 unit. 1666.67 के सामने actual production 1600. What is the cost? 29,760 is the cost for 1600. It means minus 1600 into 29,760 divided by 1600 and this comes to 1240 adverse. Say yes or no. So, आपका क्या हो जाएगा 1240 adverse. Perfectly clear or not? बोलिए. Is this clear or not? Last में इसको बोलते हैं your लेबर मिक्स और गैंग भी बोलते हैं गैंग वेरियंस ओके सो दिस इज स्किल सेमी स्किल एंड अनस्किल कितने आर से अपने पास 2880192048000 इट मींस 2880 डिवाइडेड बाय 9600 into
10,000. It means 2880 divided by 9600 into 10,000, and this comes to 3000 hours. Actual hours भी अपने 3000 है. देखो जरा, actual hours भी 3000 है. Rate per hour is 5. Rate per hour is 5. This comes to 0. Then semi skilled 1920. 1920 divided by 9600 into 10,000. It means 1920 divided by 9600 into 10,000 is 2000. और एक्चुअल में भी अपने पास क्या है, 2000 है. देखो जरा, एक्चुअल में भी 2000 है. इंटू स्टैंडर्ड रेट 3, इंटू स्टैंडर्ड रेट 3 आपका क्या आ जाएगा, 0. देन यू गो 4800, 4800 डिवाइडेड बाय 9600 इंटू 10,000. इट मीन्स 4800 9600 इंटू 10,000 इज 5. एंड एक्चुअल में भी क्या है आपका, 5. एक्चुअल में भी आपका क्या है, 5. और इंटू रेट इज 2 इज 0. ओके. और लेबर मिक्स और लेबर सब एफिशिएंसी इक्वल टू आपका सिंपल, मतलब सेम ही फॉर्मेट में आपको फॉलो करना है चीजों को ना, सेम. अब सेकंड में वो क्या बोल रहा है, इट्स वेरी इजी करके ना. सेकंड में क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर टू असेट इन ऑल द लेबर कॉस्ट वेरियंसेज. लेबर कॉस्ट में आपके पास क्या क्या हो गए फ्रेंड्स, पहला आपका लेबर कॉस्ट वेरियंस, नंबर टू आपका लेबर एफिशिएंसी, नंबर थ्री आपका लेबर रेट, नंबर फोर आपका सब एफिशिएंसी एंड यील्ड, एंड नंबर दिस आपका सही है. सो नो फ्रेंड्स, ओके. अब वो क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग सितंबर 2005 द फॉलोइंग वर द डिटेल्स ऑफ लेबर आवर्स रिकॉर्डेड फॉर द आउटपुट ऑफ 1600. इट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअल आवर्स आपके चेंज हो जाएंगे. इसका मतलब स्टैंडर्ड तो आपका सेम ही रहेगा, खाली आपके एक्चुअल आवर्स चेंज हो जाएंगे. एक्चुअल आवर्स कितने हो जाएंगे, देखो जरा, दिस इज योर एक्चुअल आवर्स आपके हो जाएंगे. इसी में मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ क्योंकि सेम ही है करके ना फ्रेंड्स. इट मीन्स दिस इज योर पार्ट बी. ओके, क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग सितंबर 2005 फॉलोइंग वर द डिटेल्स ऑफ लेबर आवर्स रिकॉर्डेड फॉर द आउटपुट ऑफ 1600. तो आउटपुट ऑफ 1600 है तो स्टैंडर्ड आवर्स तो सेम ही आएंगे. दिस इज फॉर योर पार्ट बी. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन, इज ए 1600. इट मीन्स 1800 तो 1600 का कितना, 1200 और 200 ये आपके आगे स्टैंडर्ड आवर्स. अब आप आ जाइए एक्चुअल आर्स कितना है, इज 2800, देन 1900, देन 5300. 2800, 1900, 5300 is 10,000. What is the rate is 5.2. 2.5 एंड 1.8. स्टैंडर्ड आर्स तो अपने सेम ही रहेंगे फ्रेंड्स. स्टैंडर्ड आर अगर अपना सेम है तो अपना ये टेबल भी आपका सेम हो जाएगा. बोलो या सुनो, आपका ये टेबल भी क्या हो जाएगा, बोलो, सेम हो जाएगा ना फ्रेंड्स. बोलो या सुनो, सेम हो जाएगा कि नहीं. ओके, इट मींस 2800 इंटू 5.2 इज 14,560, then 1900 into 2.5 is 4750, 5300 into 1.8 is 9540. 14,560 plus 4750 plus 9540, 28850. 28850. ओके, 28
850 हो जाएगा फ्रेंड्स। करेक्शन कर लेते हैं अपन, कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे उसमें। कॉस्ट वेरियंस 29760 माइनस 28850 कितना है, 28850। इट मीन्स 28850, इट मीन्स 29760 माइनस 28850 विल बी 910 फेवरेबल। इज दिस क्लियर? 910 इज फेवरेबल। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स लेबर, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, राइट। इससे जो लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट में भी आपके एक्चुअल आवर्स चेंज हो जाएंगे। सही है सुनो फ्रेंड्स, गेटिंग ना, इट्स इजी ना, ओके। सो एक्चुअल आवर्स इज 2800 1900 2800 1900 2800 1900 and 5300, ओके। 2880 माइनस 2800 इंटू 5 इज 400 फेवरेबल, देन 60 फेवरेबल, देन 1000 एडवर्स। इट मीन्स 400 प्लस 60 माइनस 1000 इज 540 फेवरेबल, 540 फेवरेबल। सही है सर ना फ्रेंड्स। देन लेबर रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स 2800, ओके, देन 1900 एंड देन 5300, इट मीन्स 2800 इंटू 0.2 560 एडवर्स, 0.5 into 1900 950 फेवरेबल, एंड 5300 into 0.2 1060 फेवरेबल। सो 560 एडवर्स, 950 फेवरेबल, 1060 दिस कम्स टू 1450 फेवरेबल। सो 1450 फेवरेबल, 1450 फेवरेबल एंड 540 फेवरेबल, दिस इज 540 एडवर्स। Five forty adverse. 1450. It means 1450 minus 540, and this comes to 910. Say yes or no. Perfect. अब ये तो आपका सेम ही रहेगा, लेबर सब एफिशिएंसी 29760 वाला, ठीक है। लेबर यील्ड भी आपका सेम रहेगा और लेबर मिक्स आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपके एक्चुअल आवर्स चेंज हो रहे हैं ना फ्रेंड्स। एक्चुअल आवर्स आपके क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक्चुअल आवर्स आपके क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स आपके चेंज हो रहे हैं, राइट। इट मीन्स दिस इज योर 2880 डिवाइडेड बाय 9600 इंटू 10000, ये स्किल्ड का आ जाएगा
2880 divided by 9600 into 10,000 is 3000. लेकिन एक्चुअल आर से अपने पास 2800 इंटू 5, 2800 इंटू 5 इज 1000 फेवरेबल. देन सेमी स्किल, सेमी स्किल्ड इज 1920 divided by 9600 into 10,000. 1920 divided by 9600 into 10,000 is 2000. Actual hours is 1900 into standard rate is 3. It means 1900 into 3 is 300 favorable. Okay, and finally unskilled. Unskilled is 4800 divided by 9600 into 10,000. It means 4800 9600 into 10,000 is 5000, और उसके सामने है 5300 into what is the standard rate 2, so 600 and adverse, so 600 adverse, it means 1000 favorable, 300 favorable, 600 adverse, this comes to 700 favorable. So 700 favorable plus 1240 adverse, 1240 adverse, 700 favorable, मिलके आपका क्या हो जाएगा 500. सही आंसर मिलके आपका क्या हो जाएगा 500. ओके, अब उसमें और भी कंसेप्चुअल आएगा, वो अपन देखते हैं. ओके.